हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज वॉल इंडिया का खास शो बॉलीवुड गपशप और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त काजोल नारायण। आपके एंटरटेनमेंट में आज लगने जा रहा है नया तड़का। जी हां, तो हो जाइए तैयार ये देखने के लिए जैकलिन का वर्कआउट के बाद का फोटोशूट। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की शहनाज की तारीफ। क्या फिर एक बार स्क्रीन शेयर करेंगे गुत्थी और कप्पू? क्यों बनी सपना गुंडी? राखी कर रही बिग बॉस के सर की मालिश, तो चलिए आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड की क्यूट सी एक्ट्रेस जैकलिन फिटनेस फ्रीक है। उनको फिट रहना बहुत पसंद है, यही वजह है कि जैकलिन अपनी हर फोटो में काफी हॉट नजर आती हैं। हाल ही में पोस्ट की गई उनकी फोटोज को भी फैंस ने काफी पसंद किया है और उनकी लुक और फिटनेस की तारीफ भी की है। वहीं जैकलिन ने सभी को फिट रहने का महत्व बताते हुए खुद की एक फिटनेस सीरीज भी शुरू कर दी है और कुछ वक्त पहले ही उन्होंने इससे जुड़ा 20 मिनट का एक वीडियो भी फैंस के साथ शेयर किया है। वहीं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई फोटो के कैप्शन में जैकलिन ने एक शेर, एक बाघ, एक इंद्रधनुष और एक दिल का इमोजी पोस्ट किया है। जैकलिन की इस फोटो को फैंस ने इतना पसंद किया कि बीते कुछ ही घंटों में उनकी फोटो को 13 लाख से ज्यादा बार देखा गया है। पाकिस्तानी लड़की दानानीर मोबीन के पावरी वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया। इस वायरल वीडियो पर अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रिएक्शन आया है। स्मृति ईरानी ने बिग बॉस फेम शहनाज गिल का कुछ दिनों पहले वायरल हुआ वीडियो शेयर किया और इससे ज्यादा बेहतर बताया। स्मृति ईरानी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जब आपको हैशटैग पावरी से ज्यादा देसी टॉमी पसंद हो, मुझे पता है कि मैं हैशटैग पावरी के लिए लेट हूँ पर देर आए दुरुस्त आए। हैशटैग पावरी छोड़ो, शहनाज की फीलिंग का सोचो। स्मृति ईरानी ने यशराज मुखाटे के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए ये वीडियो शेयर किया। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है। खासतौर पर दानानीर ने जिस तरह से पार्टी शब्द का इस्तेमाल किया वो पावरे के रूप में काफी चर्चा में आ गया। मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सुनील द कपिल शर्मा शो के अगले सीजन में वापसी कर सकते हैं। खबरों की माने तो सलमान खान ने सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के बीच सुलह कराने की कोशिश की है। बेहद कम ही लोग ये जानते हैं कि सलमान इस शो के प्रोड्यूसर भी हैं। ऐसे में उनकी यही कोशिश है कि शो में सुनील ग्रोवर को भी वापस लाया जाए। हालांकि अभी तक शो के मेकर्स ने ऐसी किसी बात की पुष्टि तो नहीं की है। सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा के साथ वापस काम कर सकते हैं। हालांकि सुनील ने कुछ साल पहले कपिल से झगड़े के बाद शो को छोड़ दिया था। इन दोनों की एक दूसरे के दौरान कहासुनी हो गई थी। कहा तो ये भी जाता है कि गाली गलौज के अलावा कपिल ने सुनील पर जूता फेंक कर भी मार दिया था। इन दिनों सपना चौधरी के नए गाने गुंडे की चर्चा खूब हो रही है। गाना फिलहाल रिलीज तो नहीं हुआ है लेकिन इसमें सपना का पहला लुक जरूर रिवील हो चुका है। सपना इस गाने में काफी धाकड़ अंदाज में नजर आ रही हैं। वहीं सपना ने इस गाने के पोस्टर के बाद टीजर की झलक भी फैंस के साथ शेयर की है। इस गाने में सपना का लुक काफी बिंदास है, वो धाकड़ अंदाज में नजर आ रही है। एक मोशन टीजर सपना ने इंस्टाग्राम के जरिए फैंस के साथ शेयर किया जिसमें वो पैंट शर्ट पहने और हाथ में बंदूक लेकर गुस्से से चलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो को सपना ने 24 घंटे पहले ही शेयर किया है जिसे अब तक 64,000 से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं। वैसे सपना के पिछले गानों की तरह ये गाना भी सुपर हिट रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिग बॉस 14 के फिनाले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। घर में गिनती के सदस्य बचे हैं और अगले हफ्ते सीजन का विनर भी मिल जाएगा। फिलहाल घर में अली गोनी, राखी सावंत, राहुल वैद्य, रुबीना और निकी तंबोली हैं और केवल इन 5 सदस्यों के कंधों पर दर्शकों को एक लौते हफ्ते में एंटरटेन करने की जिम्मेदारी भी है। खासतौर से राखी सावंत जिन्होंने एक बार फिर अपने ही स्टाइल से दर्शकों का मनोरंजन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जी हाँ, आपको याद होगा जब राखी ने इस सीजन में बिग बॉस के घर पर कदम रखा था तो घर के गार्डन में बने 2 शो पीस को उन्होंने बिग बॉस कहकर पुकारा था। वहीं अब आने वाले एपिसोड में राखी उन्हीं पुतलों की मसाज भी करती दिखाई देंगी। शो को जीतने के लिए राखी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, बकायदा उन्होंने बिग बॉस की सेवा करने की ठान ली है। इसके लिए उन्होंने उन शो पीस पर तेल तक लगा दिया और उनके सिर पर मसाज भी करने लगी।
और एंटरटेनमेंट की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।